एवरीबडी आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड आई एम द पिकअप फ्रॉम लर्न हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एंड एसएसटी एस टी फॉर फ्री ओनली एट लर्न हब डॉट कॉम तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास सिक्स मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर एंड रिकॉग्निशन ऑफ सॉलिड्स तो हमने काफी सारी शेप्स अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी हैं ड्रॉ भी की हैं तो आज उन्हीं शेप्स को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने का टाइम आ गया है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड Identification of 2D shapes. तो देते हैं एक लाइन होती है एक स्क्वायर होता है एक रेक्टैंगल होता है राइट ऐसी अलग अलग तरह की शेप्स हम पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वैसी ही कुछ शेप्स उन्हीं शेप्स को हम बुलाते हैं टू डी शेप्स जैसे अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन को अगर हम देखें तो इस लाइन की क्या है इस लाइन की एक लेंथ है राइट right? क्या है एक लेंथ करेक्ट अब वैसे ही अगर आप इस इस रेक्टेंगल को देखोगे सो इस रेक्टेंगल की अगेन एक लेंथ है राइट right? और दूसरी क्या है दूसरी एक ब्रेथ है करेक्ट सो देर आर टू डायमेंशंस इन दिस पर्टिकुलर फिगर इन दिस पर्टिकुलर शेप राइट अब अगर मैं एक स्क्वायर यहां पर बनाती हूँ सो स्क्वायर का भी क्या है एक लेंथ है और एक ब्रेथ है वैसे ही अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ सो एक ट्रायंगल की एक हाइट है राइट सो दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस या जिस बेस को हम अगेन लेंथ में लेते हैं राइट सो

ठीक है वो इक्वल होती हैं वैसे ही क्यूबॉयड जैसे कि हमारे पास एक बुक है सो दिस बुक इज अ क्यूबॉयड राइट जिसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है देन हमने एक कॉन शेप भी पड़ी है बर्थडे कैप देखी है सबने तो वो बर्थडे कैप की शेप की होती है कोन शेप की होती है देन नेक्स्ट इज दिस सिलेंडर शेप राइट जैसे ये पेन है तो ये ऑलमोस्ट एक सिलेंडर शेप का पेन है राइट right? जो हम बॉल यूज करते हैं खेलने के लिए सो दैट इज sphere shaped correct so this is cylinder right this is cone this is cube and this one is cuboid right so these are the different types of three-dimensional shapes correct हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स की तो हम ये बोलते हैं कि एक सॉलिड क्या होता है सो सॉलिड इज बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसकी एक फिक्स्ड शेप है जैसे अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं सो so अगर मैं इसको अपने हाथ पे रखती हूँ तो इसने मेरे हाथ के ऊपर एक स्पेस ऑक्यूपाई किया है राइट right? और साथ ही साथ इसकी एक फिक्स्ड शेप है सो दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज सॉलिड्स, जैसे कि एक हमारी बुक्स हो गई सो बुक्स जो होती हैं, जब भी हम उनको कहीं पर रखते हैं तो वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उनकी एक फिक्स्ड शेप रहती है वैसे ही जैसे ब्रिक्स हो गई सो ब्रिक्स है ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड दे ही अगर हम एक वॉल की बात करें सो इट हैज द सेम इट ऑक्युपाई स्पेस एंड इट हैज अ फिक्स्ड शेप अब अगर मैं इस बुक की बात कर रही हूँ अगर आप इस बुक को देख रहे हो तो इस बुक के ना एक्चुअली तीन व्यूज आप देख सकते हो एक तो ये वाला व्यू जो भी आपको काफी क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ये कौन सा व्यू है साइड व्यू करेक्ट अगर आप इस बुक को ऊपर से देखोगे सो दिस बिकम्स द टॉप व्यू राइट ओके एंड इफ यू लुक इट फ्रॉम फ्रंट सो दैट इज योर फ्रंट व्यू ठीक है सो so हर एक सॉलिड शेप की तीन डिफरेंट व्यूज होते हैं सो वन इज द सो फर्स्ट वन इज द फ्रंट व्यू जो आप उसको फ्रंट से देख रहे हो राइट right? दूसरा होता है उसका साइड व्यू एंड थर्ड वन इज द टॉप व्यू तो हर एक सॉलिड शेप को आप इन तीन जगह से या तीन डिफरेंट डायरेक्शन से देखकर देख सकते हो ठीक है तो इतना समझ आ गया कि वॉट इज अ सॉलिड ठीक है अब सॉलिड्स को हम एक और नेम देते हैं दैट इज पॉलीहेड्रॉन राइट तो पॉलीहेड्रॉन क्या होता है पॉलीहेड्रॉन बेसिकली एक सॉलिड ही होता है जिसकी थ्री शेप होती है मतलब एक ऐसा सॉलिड थ्री शेप जिसके फ्लैट पॉलीगोनल फेसेस होते हैं मतलब जिसके फेसेस होते हैं अब जैसे अगर हम इस क्यूब को ले लें तो ये एक सॉलिड थ्री डायमेंशनल शेप है जिसके फ्लैट फ्लैट फेसेस हैं, ठीक है थीके? और जिसके पास स्ट्रेट एजेस हैं और क्या है कुछ शार्प कॉर्नर्स हैं, नॉट शेप कॉर्नर्स बट इट हैज शार्प कॉर्नर्स ठीक है corners, corners, जैसे हम इस इस क्यूबॉयड को देख रहे हैं सो so इस क्यूबॉयड के बहुत सारे फेसेस हैं जैसे ये टॉप फेस है इसको मैं अपनी तरफ से एक फ्रंट फेस रख लेती हूँ दिस इज से द ओके जस्ट अ सेकेंड यस सो ये मेरे मेरे हिसाब से ये राइट में आ रहा है सो दिस इज द राइट फेस आई कैन से दिस वन इज द लेफ्ट ये जो पीछे है दिस इज द बैक फेस एंड दिस इज द डाउन फेस करेक्ट तो ये अलग अलग फेसेस हैं यहां पर राइट right? तो अब अगर हम एक पॉलीहेड्रॉन की बात करें तो एक पॉलीहेड्रॉन क्या होता है बेसिकली ये एक सॉलिड थ्री डी शेप होती है जिसके फ्लैट साइड्स होते हैं बहुत सारे फ्लैट साइड्स देखने को मिलते हैं इनके स्ट्रेट एजेस होते हैं ठीक है स्ट्रेट एजेस और शार्प कॉर्नर्स हमें देखने को मिलते हैं करेक्ट सो पॉलीहेड्रॉन आपको समझ आ गया इन कॉर्नर्स को हम एक और नाम देते हैं मैथ्स में दैट इज वर्टिसेस तो ये याद रखना अगर कहीं पर आपको पूछा है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ दिस शेप या फिर फाइंड द कॉर्नर सो इट मींस द सेम वर्टिसेस एंड कॉर्नर्स आर द सेम ठीक है सो वर्टिसेस और कॉर्नर्स जो होते हैं पॉलीहेड्रॉन के वो थ्री डायमेंशनल शेप में ये जो शार्प एजेस जो शार्प uh, पॉइंट्स ये जो हमें दिखाई देते हैं ठीक है जहां पर बेसिकली दो साइड्स आके मीट कर राइट सो आई होप देखेंगे और उसके faces और उसके edges और और वर्टेस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सी शेप में कितने फेसेस होते हैं कितने एजेस होते हैं और कितने वर्ट होते हैं क्लियर तो चलो शुरू करें फर्स्ट क्यूबॉइड क्यूबॉइड क्यूबॉयड एक ऐसी शेप होती है जो सॉलिड भी हो सकती है और बीच से हॉलो भी हो सकती है तो अब अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो आप इसमें देखोगे हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ रेक्टेंगल्स को बनाकर एक शेप मिलाकर एक शेप बना दी गई है सो दिस शेप इज क्यूबॉयड विच कैन बी सॉलिड एंड विच कैन बी हॉलो और इसमें टोटल सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं विद एडजेसेंट फेसेस एट राइट एंगल एंड पैरल टू ईच अदर तो देखो ये नोटबुक जो है ये एक क्यूबॉयड शेप है ठीक है तो जैसे यहां पर अगर आप इसको देख रहे हो सो दिस इज अ रेक्टेंगल रेक्टेंगल लग रहा है ठीक है अब अगर आप यहां देखोगे तो ये भी रेक्टेंगल है और दो ये और ये रेक्टेंगल की ब्रेथ की डायमेंशन में फर्क है राइट नाउ दिस इज अगेन अ रेक्टेंगल एंड दिस इज अगेन अ रेक्टेंगल राइट तो ऐसे ही अगर हम इनको काउंट करना शुरू करें सो विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर सो वन देन टू देन थ्री एंड फोर राइट इसको हम काउंट कर ही चुके हैं अब साइड्स को फ्लिप करेंगे फाइव एंड सिक्स सो हाउ मेनी फेसेस आर देर देर आर टोटल सिक्स रेक्टेंगुलर फेसेस सो आई कैन राइट ओवर हेयर इन क्यूबॉय देर आर सिक्स फेसेस ठीक है तो यहां भी अगर आप इसको करो सो दिस इज टॉप व्यू So, ठीक है सो फेस दिस इज दिस इज फ्रंट व्यू दिस वन इज बैक व्यू से दिस इज माय राइट दिस इज माय लेफ्ट एंड दिस इज द डाउनवर्ड पोर्शन सो हाउ मेनी टोटल फेसेस आर देयर देयर आर इन टोटल सिक्स फेसेस राइट अब अगर आप हर एक को देखो हर एक रेक्टेंगल को देखो रेक्टेंगुलर फेस को देखो तो ये दूसरे रेक्टेंगुलर के साथ ज्वाइंट है और यहां पर ये कौन सा एंगल बना रहा है 90 डिग्री का एंगल ठीक है तो हर जगह यहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई देगा अगर आप किसी भी फेस को दूसरे फेस से देख लो तो ठीक है सो एडजेसेंट फेसेस आर एट राइट एंगल एंड दे आर पैरल टू ईच अदर ठीक है तो जैसे ये है सो so दिस फेस इज पैरेलल टू दिस फेस राइट दिस फेस इज पैरेलल टू दिस फेस राइट सो आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ, ज़रूरी नहीं है कि एक क्यूबॉ में ऑल द साइड्स आर साइडली इक्वल कि ऐसा जरूरी नहीं कि जो सारी साइड्स हो, वो इक्वल हो जैसे हमने इस नोटबुक के केस में देखा ये और इस साइड में फर्क है राइट right? वैसे ही मैं एक और क्यूबॉयड आपको दिखाती हूं ये एक कोरियर बॉक्स आया था ठीक है तो अब ये और ये वाली जो साइड है ये इक्वल नहीं है सो इट इज नॉट कि सारी साइड्स जो हैं, वो इक्वल हो इज okay. so, अब हम आते हैं हमने फेसेस देख लिए, कितने नंबर ऑफ फेसेस हैं टोटल सिक्स नंबर ऑफ फेसेस हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द एजेस तो अगर हम एजेस की बात करें तो कितने एजेस हैं हमारे पास राइट तो काउंट करने पड़ेंगे सो दिस इज वन राइट सो दिस इज वन देन दिस इज टू दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर तो फोर हमने बना लिए देन नीचे आएंगे सो दिस इज फाइव सिक्स एंड सेवन राइट अब साइड में जाएंगे एट एंड नाइन ठीक है ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है देन पीछे की तरफ टेन इलेवन एंड टे so, थोड़ा अच्छे से नहीं बना है लेकिन अगर हम इन सबको काउंट करेंगे सो देर विल बी टोटल हाउ मेनी एजेस ट्वेल्व एजेस तो आप इसको बना के इसके एजेस निकाल सकते हो ठीक है देन कमिंग ऑन टू दर्टसेस सो वर्टसेज आई टोल्ड यू वर्टसेज का एक और नाम है दैट इज कॉर्नर सो लेट इसउंट द कॉर्नर दिस इज वन दिस इज टू थ्री फोर फाइव

ठीक है तो ये बेसिकली एक सिमेट्रिकल थ्री शेप है जो सॉलिड भी हो सकती है हॉलो भी हो सकती है मतलब एकदम ऐसे सॉलिड जैसी भी हो सकती है हो सकती है अंदर से खाली हो राइट नाउ इट 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 इज कंटेन बाय सिक्स इक्वल तो अगर अब आप यहां पर देखोगे सो देअर आर टोटल सिक्स स्क्वास इक्वल स्क्वायर सो दिस इज से वन ठीक है सो आई एम राइटिंग ओवर हियर वन देन दिस इज टू राइट This is 3, this is 4, coming here, this is 5, and we are just left with this, so this is 6. So, how many total faces are there? How many total squares are making this cube? So, total 6, correct? तो आई होप दिस इज क्लियर ओके तो हमने यहां पर टोटल नंबर ऑफ फेसेस निकाल लिए हैं विच आर सिक्स नाउ कमिंग ऑन टू द एजेस तो एजेस हम ना यहां से निकालेंगे सो दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब पीछे वाली साइड्स टेन 11 and finally 12. So, how many edges are there? Total 12 edges are there, right? Coming on to the vertices. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So, how many vertices? Total 8 vertices, correct? so I hope this is clear okay so vertices means we are talking about the corners right so each square each face of the square is equal इज इक्वल ठीक है तो हर एक ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वेयर सबके सब इक्वल सब हैं और सारी की सारी जो फेसेस हैं उनको हम बोल सकते हैं दीज फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रेंट मतलब दे आर इक्वल सो द फेसेस आर इक्वल ठीक है सो कॉन्ग्रिट मतलब दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज राइट सो आई होप दिसर नाउ कमिंग ऑन टू दिन सिलेंडर तो अगर हम इस सिलेंडर शेप की बात करें तो सिलेंडर के नाम पे आई हैव दिस पेपर रोल ठीक है नैपकिन रोल है सो दिस इज अफ अ सिलेंडर तो अब अगर आप इस शेप को देखो सो so, ये एक फेस है जो पूरा का पूरा एक ही फेस है राइट right? दूसरा फेस ये है और तीसरा फेस इसके ऑपोजिट है सो हाउ मेनी टोटल फेसेस फेसेस आर आर देयर देयर टोटल सो इफ यू टॉक अबाउट द एजेस सो दिस एज इज एज एंड दिस इज द सेकंड एज राइट सो हाउ मेनी एजेस टू एजेस अब अगर आप इसमें वर्टिसेस या कॉर्नर्स देखने जाओगे तो आपको कहीं पर भी एजेस मतलब ऐसी कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर आपको दो साइड आके ऐसी मिलती हुई दिखाई दे रही है सो बेसिकली दिस शेप सिलेंडर हैज नो या फिर नील या फिर यू कैन राइड जीरो वोटसेस करेक्ट सो वॉट इज अ सिलेंडर सो सिलेंडर इज अ सॉलिड होलो ज्योमेट्रिकल फिगर विद द कर्व्ड साइड तो एक साइड जो है वो पूरी की पूरी कर्व्ड है और दो आइडेंटिकल आइडेंटिकल सर्कुलर फ्लैट एंड्स है तो so, ये और ये बिल्कुल एक दूसरे से मिलता है और ये फ्लैट है और एक जैसे दोनों ही साइड्स एक जैसी हैं करेक्ट सो हाउ मेनी फेसिज आर देर दिस इज द फर्स्ट फेज दिस इज द सेकेंड फेज एंड दिस इज द थर्ड फेज इफ यू टॉक अबाउट एजेस इज वन एज एंड दिस इज द सेकेंड एज बट देर आर नो वट क्लियर ऑल राइट आगे बढ़ते हैं नाउ कमिंग ऑन टू द स्फियर शेप तो स्फियर शेप की अगर बात करो तो स्फियर में एक बॉल बॉल देख लो आप ठीक है तो अगर आप इस बॉल को देखो तो इसमें कितने फेसेस हैं इसमें टोटल सिर्फ एक ही फेस है तो ये पूरा का पूरा एक ही फेस है एजेस की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह से हमें कोई एजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं सो देर आर नील या फिर देर आर जीरो एजेस ठीक है वर्टिसेस की भी बात करें तो अगेन देर आर जीरो वर्टिसेस करेक्ट सो दिस इज आ स्फीयर शेप सो बेसिकली इट इज अ राउंड सॉलिड होलो फिगर विद एवरी पॉइंट ऑन इट सर्फिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर तो अगर हम इस पिक इस पिक्चर को देखें तो दिस इज ऑलमोस्ट द सेंटर ठीक है इस सेंटर से आप किसी भी साइड को कहीं को भी चले जाओ राइट सो दीज ऑल दीज साइड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर सो दिस इज द स्फियर राइट अब आते हैं कौन पे बर्थडे कैप सबने देखी है ठीक है सबने पहनी भी होगी तो बर्थडे कैप जो होती है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है ठीक है तो ऊपर से एक ट्राइंगल सा होता है और नीचे एक सर्कल होता है सो इट इज अ सॉलिड हॉलो ऑब्जेक्ट विच टेपर्स फ्रॉम द सर्कुलर बेस तो बेसिकली एक सर्कुलर बेस है और सर्कुलर बेस से ये ऐसा टेपर करता है टू अ पॉइंट राइट तो कितने वर्टिसेस हैं यहां पर अगर आप देखो पहले फेसेस की बात करते हैं ठीक है सो दिस सर्कुलर फेस इज द फर्स्ट फेस एंड दिस ट्राइंगुलर फेस इज द सेकेंड फेस ठीक है तो ये पूरा ऐसे ट्राइंगल की फॉर्म में होता है करेक्ट सो हाउ मेनी फेसेस टू फेसेस नाउ कमिंग ऑन टू द एजेस सो हाउ मेनी एजेस सिर्फ एक ही एज आपको देखने को मिलेगा सो हाउ मेनी एजेस वोटेक्स so, आप मुझे बताओ कि यहां पर कितने वोटेक्स हैं सो देर इज ओनली वन कॉर्नर ऑर द वोटेक्स सो अगेन द आंसर इज वन राइट सो आई होप ये बेसिक शेप्स आपको समझ आ गई है जो हमने अभी तक जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी थी नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट शेप दैट इज प्रिजम शेप तो प्रिजम क्या होता है पहले पढ़ा है आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं बट प्रिज्म बेसिकली एक ऐसी शेप होती है जिसमें नीचे एक रेक्टेंगल है ठीक है उसके ऊपर साइड्स में एक रेक्टेंगल ऐसे है और दूसरा रेक्टेंगल ऐसे है ठीक है तो टोटल कितने हुए एक बेस पर रेक्टेंगल एक इस तरफ रेक्टेंगल एक इस तरफ तो टोटल थ्री रेक्टेंगल्स हुए और ये जो साइड्स यहां पर बचती हैं इस तरफ और बैक साइड पर दे आर ट्रायंगुलर शेप्ड राइट सो बेसिकली दे आर सॉलिड ज्योमेट्रिक फिगर्स Whose two ends are similar, equal and parallel rectilinear figures, whose side faces are parallelogram or rectangles. ठीक है तो parallelogram क्या होता है parallelogram को एक ऐसी शेप होती है जिसकी दो साइड्स, जो सामने वाली साइड्स होती हैं, वो कैसी होती हैं? वो पैरेलल होती हैं। ठीक है सो दैट इज अ parallelogram. तो पैरेललोग्राम भी एक तरह का एक रेक्टेंगल ही होता है तो ये दो साइड्स इक्वल है ये दोनों साइड इक्वल है करेक्ट सो so, अब यहां पर अगर हम देखें तो इसके टोटल कितने फेसेस होंगे इस प्रिज्म के सोचो थोड़ा सा कितने फेसेस हमें देखने को मिल रहे हैं तो अब अगर हम इसके नंबर ऑफ फेसेस देखें तो एक तो ये वाला फेस है जो इसका बेस है ठीक है एक ये फेस है जिसे हम फ्रंट फेस बुलाते हैं एक इस एक ये बेस है ये फ्रंट फेस है और इसके ऑपोजिट ये वाला फेस है जिसे मैं बैक फेस बुला रही हूं ठीक है और इस इन तीनों के सिवा दो और फेसेस हैं दैट इज वन इज दिस से राइट में ट्राइंगल और एक ये लेफ्ट में ट्राइंगल है सो हाउ मेनी टोटल फेसेस आर देयर देयर आर टोटल फाइव फेसेस राइट अब इन फाइव फेसेस के एजेस को देखो सो वन राइट देन टू थ्री फोर देन फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन सो हाउ मेनी एजेस Total 9 edges are there, and now counting the number of corners or the vertices so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total 6 vertices. Is that clear? ओके, तो इसमें जो साइड के दोनों ट्राइंगल्स हमने देखे हैं ना यहाँ पर सो बोथ दीज ट्राइंगल्स दे आर पैरल टू ईच अदर एंड दे आर कॉन्ग्रेट मतलब वो एकदम इक्वल होते हैं दोनों ट्राइंगल्स और एक दूसरे के पैरल होते हैं ठीक है तो दोनों ही एक दूसरे के ऐसे पैरेलल है पैरेलल लाइन समझते हो मतलब दो ऐसी लाइंस जिनको हम कितना भी एक्सटेंड कर लें वो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी अब मान लो मेरे पास ये दो पेन हैं आई विल से दीज़ टू पेन्स आर पैरेलल टू इच अदर ठीक है तो अब मैं इन पैंस को कितना भी दूर तक लेकर जाऊं और बिल्कुल ऐसे ही लेकर जाऊं तो ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे so अब मैं इनको ऐसे रख देती हूं. तो एक पॉइंट के, तो के बाद ये मिल जाएंगे राइट सो दीज आर नॉट पैरल बट वेन दे आर वेन टू लाइन आर पैरल टू इच अदर आप उनको कितना भी एक्सटेंड कर लो वो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती है करेक्ट सो so, वॉट इज अ प्रिज्मली अ सॉलिड जिसकी दो फेसेस जो होते हैं दे आर जो साइड के फेसेस हैं राइट दे आर पैरलोग्राम और फिर उसके साइड में दो ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं मतलब इक्वल होते हैं और पैरल होते हैं राइट सो दिस इज अ प्रिज्म नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिजम तो प्रिज्म कुछ ऐसा भी हो सकता है ठीक है एक ऐसा प्रिज्म जिसमें कितनी साइड्स हैं साइड वाले जो फेसेस हैं वो पांच हैं देखो सो दिस इज से टॉप वाला दिस इज बॉटम ठीक है नाउ दिस इज फ्रंट बॉटम को हम डी डाउन लिखेंगे ठीक है सो दिस इज बैक वन फेस दिस इज बैक टू फेस दिस इज राइट वाला फेस एंड दिस इज लेफ्ट वाला फेस सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो हाउ मेनी टोटल साइड्स or faces so there are total 5 7 sides or 7 faces right how many edges so 1 two, three, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 so how many edges total 15 edges are there now vertices or corners so 1 2 3 4 five six seven eight nine and ten so how many vertices ten vertices are there so this is also a type of a prism करेक्ट नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज अ पिरामिड तो पिरामिड्स के बारे में इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में सबने सुना होता है राइट सो पिरामिड भी बेसिकली एक सॉलिड शेप होती है जिसका बेस एक प्लेन रेक्टिलीनियर फिगर होता है देखो ये एक रेक्टिलीनियर फिगर है ठीक है वट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म रेक्टिलीनियर फिगर तो रेक्टिलीनियर फिगर आपने रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पढ़ा है पढ़ा है ना फिजिक्स में हमने पढ़ा है तो रेक्टीलिनियर मतलब एक ऐसी चीज जो सीधी लाइन में चलती आ रही है तो अब अगर आप इसका बेस देखो तो इसके बेस में भी ऐसे स्ट्रेट लाइंस ही हैं ठीक है थीके? तो मतलब एक ऐसी फिगर जो स्ट्रेट लाइंस से मिलकर बनी होती हैं और जब ये स्ट्रेट लाइंस आपस में मीट करती हैं तो जहां पर ये मीट करती हैं वहां पर ये कौन सा एंगल बनाती हैं नाइंटी डिग्री का एंगल ठीक है, है, so तो so इसका जो base है, that is a rectilinear figure, जैसे कि एक एक या फिर एक and whose side faces are triangles with विद कॉमन vertex. ठीक है तो so अब वैसे तो अगर एक रेक्टेंगल होगा या कॉर्डिलेट्रल होगा उसके 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे होंगे लेकिन हो सकता है इसका बेस एक ट्राइंगल हो ठीक है, सो so, ट्राइंगल अगर इसका बेस है तो ऑफकोर्स 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा लेकिन फिर भी यहां पर जो लाइंस हैं, वो कैसी होंगी एकदम स्ट्रेट होंगी तो स्ट्रेट लाइंस आकर मिलेंगी एक दूसरे के साथ ठीक है अब जो इस ये तो हमने बेस की बात की अब अगर हम इसके साइड्स में आ जाएं तो इसकी जो साइड्स हैं, वो बनी होती है ट्रायंगल से ठीक है तो अब जैसे इसमें देखो दिस इज वन ट्राइंगल दिस इज सेकेंड ट्राइंगल और इसके पीछे एक और ट्राइंगल है तो यहां पर क्योंकि बेस ट्राइंगल है तो यहां पर तीन और ट्राइंगल्स लगे और ये एक सॉलिड शेप बन गई वैसे ही अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो ट्राइंगल्स हैं दे आर फोर राइट सो दिस वन इज द फर्स्ट वन राइट सो फर्स्ट ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल इसके पीछे ये third है, ये है, है वाला और अब करता है कि आप कैसा पिरामिड बना रहे हो उसके बेसिस पर इसमें नंबर ऑफ फेसेस नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें टोटल फेसेस कितने हैं एक तो ये है जो बेस पर है डाउन में है राइट right? दूसरा दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल दिस इज सेकेंड और इन दोनों के पीछे ही एक थर्ड ट्राइंगल भी है सो टोटल नंबर ऑफ फेसिसाइव एंड सिक्स सो कितने हैं टोटल देर आर सिक्स एजिस एंड कमिंग ऑन टू दर्ड इज वन टू थ्री एंड फोर राइट सो फोर वर्टसेस करेक्ट अब इसमें आते हैं तो इसमें अब नंबर ऑफ फेसेस एजेस ऑफ वर्टसेस डिफरेंट होंगे तो देखो दिस डाउन वन इज द या फिर बेस जो है ये फर्स्ट है देन ये वाली ये वाली जो हमारी साइड है ये वाली साइड सो दिस इज फर्स्ट ये वाली जो साइड है दिस इज सेकेंड इसके पीछे एक और साइड है विच इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ सो टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर फाइव फेसेस इंक्लूडिंग दिस नीचे वाला पोर्शन बेस देन कमिंग ऑन टू द एजेस सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट सो टोटल फेसेस सॉरी टोटल एजेस, एट एजेस वर्टिसेस वन टू थ्री फोर फाइव सो टोटल फाइव वर्टिसेस

वॉट वॉट इज नेट बेसिकली तो मेरे पास ना ये वही क्यूब है बॉक्स है क्यूब शेप का जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था तो मैंने आपको बोला था कि एक क्यूब अगर हम रिकॉल करें तो एक क्यूब एक ऐसा थ्री डी शेप है जिसकी सभी साइड कॉन्ग्रेंट होती है इक्वल होती है राइट तो अब अगर आप इस बॉक्स को देखो तो इस बॉक्स को ना अगर मैं ओपन करो ठीक है सो आई विल ओपन इट लाइक दिस राइट सो यू कैन सी दिस ठीक है सो फर्स्ट आई विल ओपन दिस साइड नो नॉट आई विल गो विद दिस आई विल गो इट दिस वे राइट सो फर्स्ट आई विल ओपन दिस साइड देन आई विल ओपन दिस साइड एंड देन दिस फाइनली ये और ये वाली साइड तो मेरे पास ये एक ये एक कुछ फ्लैट सा स्ट्रक्चर आ गया है राइट right? तो हमने क्या किया हमने एक थ्री शेप ली उस थ्री शेप की साइड्स को ओपन करके उसके एजेस पर ओपन करके एक फ्लैट शेप स्ट्रक्चर बना दिया जो कि अब टू डायमेंशनल है इसके पास लेंथ है ब्रेड है बट तो इसके पास कोई हाइट नहीं है ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है राइट सो दिस इज कॉल्ड एज अ नेट सो बेसिकली दिस इज नेट एंड इन दिस केस दिस नेट इज ऑफ अ क्यूब राइट ओके सो वॉट इज अ नेट नेट एक ऐसा पैटर्न है दैट कैन बी कट और फोल्डेड टू मेक अ मॉडल ऑफ अ सॉलिड शेप ठीक है एक सॉलिड शेप का uh, को कट करके या फोल्ड करके हम उसे एक पैटर्न बना देते हैं एंड हाउ वी कट इट वेर वी फोल्ड इट सो वी फोल्ड इट और कट इट अलोंग द एजेस राइट सो वी डू दिस अलोंग एजिस इज दैट क्लियर तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या सो so क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक क्यूब का सिर्फ एक ही नेट हो सकता है सोचो ऐसा नहीं हो सकता ठीक है आपकी बुक में बहुत सारे नेट दिए होंगे तो बेसिकली ऐसा ही होता है सो नाउ दिस नेट कुड बी लाइक दिस जैसे मैंने आपको दिखाया है ऐसे राइट नाउ दिस नेट कुड बी ऑफ सम डिफरेंट डिफरेंट टाइप राइट तो जैसे हमने यहां पर क्या किया हमने से दिस इज द बेस दिस इज दाइट राइट वाली साइड दिस इज लेफ्ट वाली साइड एंड इफ आई से दिस इज टॉप दिस वाला ये वाला पोर्शन एंड ये एक साइड है ये दूसरी साइड है सो आई विल राइट दिस इज साइड वन एंड दिस इज साइड टू तो एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका क्या है कि बेस को मैंने यहां पर रहने दिया ठीक है तो मेरा बेस यहीं पर रहा ओके ऐसे ही बेस यहीं रहेगा राइट साइड जो है वो इस तरफ आ गई लेफ्ट इस तरफ आ गई और फिर मैंने इसको यहां से मतलब इस वाली को मैंने मैं यहां पर लेकर आ गई ठीक है तो नॉट इट इज नॉट इज बेसिकली दिस वे सो ये साइड वन है ये इसका टॉप है और ये इसकी साइड टू है ओपन so तो करने का एक अलग अलग तरीका होता है और सिर्फ एक ही तरह से नहीं बट हम अलग अलग तरह से ये कर सकते हैं द नेक्स्ट वन इज द नेट ऑफ क्यूबॉइड तो जैसे हमने ये क्यूब को ओपन किया वैसे ही क्यूबॉयड के भी अलग अलग तरीके हैं तो आप इस क्यूबॉइड को भी अलग अलग तरीके से खोल सकते हो सो सी दिस इज द बेस दिस इज द राइट साइड दिस इज द लेफ्ट साइड दिस इज द दिस इज़ साइड वन दिस इज़ साइड टू एंड दिस इज द टॉप पोर्शन अब हम क्या कर सकते हैं कि बेस को यहीं पर रहने दें राइट सो दिस इज द बेस इसका लेफ्ट लीफ यहां रहे राइट right लीफ इसका यहां पर रहे अब इसकी जो फर्स्ट साइड है वो यहीं सेकंड साइड यहीं रहेगी टॉप भी यही रहेगा और साइड वन इज नॉट हेयर बट इट कैन बी हेयर सो वी कैन ओपन इट इन दिस वे राइट सो बहुत सारे तरीके हैं एक एक क्यूबॉयड को भी ओपन करने के एंड दीज फ्लैट शेप्स आर कॉल्ड एज द नेट्स करेक्ट दिस कुड बी समथिंग एल्स ऑल्सो कि जैसे ये मेरी साइड वन है ठीक है अब ये जो लेफ्ट और राइट right है ये इसी से अटैच रहे बेस यहां पर आ जाए दिस इज साइड टू एंड दिस इज द टॉप पोर्शन राइट सो ये सब इक्वल होंगे तो मेरे थोड़े इक्वल uh, नहीं आ रहे हैं बट दे विल बी इक्वल करेक्ट सो आई होप दिस इज क्लियर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज अ सिलेंडर तो सिलेंडर में मैंने आपको ये एक किचन चावल बताया था ठीक है सो दिस इज अ सिलेंडर शेप तो एक तो फेस ये है एक यहां पर है और एक यहां पर है तो टोटल थ्री फेसेस हैं तो इसी का ये एक छोटा वर्जन है ठीक है तो अब अगर मुझे इस सिलेंडर को ओपन करना है तो मेरे पास तीन फेसेस आने चाहिए तो मैं क्या करूंगी पहला तो इसको यहां से बीच से काटूंगी ठीक है तो मैंने इसको बीच से काट दिया तो मेरे पास ये एक फ्लैट रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर आ गया अब बचे इसका ये वाला फेस से दिस इज साइड वन एंड दिस इज साइड टू राइट right? जो स्फीयर जो सर्कल्स है तो एक सर्कल आ जाएगा यहां पर एक आ जाएगा यहां पर इसको ओपन करने के और भी तरीके हैं कि ये मेरा रेक्टेंगुलर पोर्शन आ गया एक साइड मेरी यहां पर आ रही है और एक साइड मेरी यहां पर आ रही है क्लियर और भी तरीके हैं ये साइड्स फ्लिप भी हो सकती हैं कि साइड टू यहां आ गई साइड वन वहां चली गई दूसरी एक ये भी तरीका है कि दोनों साइड एक तरफ आ जाए इस तरफ या फिर उस तरफ सो देर आर नेट्स फॉर ऊपर। तो बर्थडे कैप को इमेजिन करो कैसी होती है बर्थडे कैप ऐसी होती है और अगर आप उसको ध्यान से ऐसे घुमा के देखोगे ना तो बेसिकली जो हमारी बर्थडे कैप है ना वो कुछ ऐसी बनती है देखो ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है इस फ्लैट स्ट्रक्चर को ऐसे थोड़ा सा राउंड कर दिया जाता है और ऐसे बना दिया जाता है ठीक है तो बेसिकली कुछ ऐसा होता है मतलब इसको हम एक ट्राइंगल की शेप में कर सकते हैं सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक अ ट्राएंगल आउट ऑफ इट ठीक है तो मैं पहले इसको एक ट्राइंगल बनाती हूं ओके okay? तो कैसे बनेगा अब ये मेरा ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है चलो बन जाएगा अभी बन जाएगा हा चलो ये बन गया मेरा एक ट्राइंगल ठीक है तो ये हो गया ये हो गया और ये हो गया ठीक है तो ये आ गया मेरा एक ट्रायंगल राइट तो अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो इस ट्रायंगल को ही ना कुछ ऐसे से घुमाकर ठीक है कुछ ऐसे घुमाकर एक बर्थडे कैप बनाई जाती है राइट और यहां पर जहां पर ये जुड़ा होता है ना यहां पर हम क्या लगा देते हैं स्टेपलर पिन लगा देते हैं राइट और इसके नीचे इट इज नॉट लाइक दिस बट इट इज लिटल स्फियर और इसके नीचे एक बेस होता है तो बेसिकली इसके पास टू फेसेस है राइट सो वन फेस वी कैन ओपन इट लाइक दिस और जो दूसरा फेस है वो हमारा ऐसे एक सर्कल एक की फॉर्म में है राइट सो दिस इज दाउन प्रिज्म के नेट में हम क्या करेंगे अब एक प्रिजम है ठीक है प्रिजम कैसा होता है तो प्रिज्म मैंने आपको बताया था कि ऐसे ना ट्राइंगल्स होते हैं तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल तो नहीं होगा सबसे पहले हमारे पास होंगे कुछ ठीक है मेरे पास ये एक्स्ट्रा पेपर्स थे सो आई यूज देम ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है ये राइट तो ये एक ऐसा एक बेस है ठीक है अब इस बेस के पास क्या है और ठीक है तो सबसे पहले सबसे पहले ये एक बेस है इस बेस के पास से एक और और ये बेस किस फॉर्म में है एक आ, किस शेप में है एक रेक्टेंगल की शेप में ये मेरा दूसरी साइड है राइट एंड नाउ आई एम कमिंग द थर्ड वन सो दिस इज माय थर्ड साइड और ये भी एक रेक्टेंगल ही है ठीक है तो ये आगे मेरे तीन रेक्टेंगल्स ये जो तीनों रेक्टेंगल्स हैं ये आपस में ना कुछ ऐसे अटैच होते हैं ये देखो सो दिस इज द द बेस दिस दिस इज इज वन साइड साइड एंड तो ये तीनों मिलके एक एक ट्रायंगल सा बनाते हैं ठीक है कुछ ऐसे अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखो ना तो यहां पर क्या बन रहा है ठीक है अब आई एम नॉट एबल टू होल्ड इट प्रॉपरली बट यू कैन सी यहां पर एक ट्राएंगल बन रहा है तो एक ट्राइंगल फेस यहां पर होता है और एक उसके ऑपोजिट साइड पर होता है तो टोटल हमारे पास थ्री फोर एंड फाइव ठीक है तो तीन रेक्टेंगल है और दो ट्राइंगल्स हैं सो दे कैन बी वेन वी ओपन दिस कैन कम आउट टू बी कि ये मेरा बेस है बेस का एक ट्राइंगल टी वन यहां है और एक ट्राइंगल टी टू यहां है एंड दिस इज द साइड वन एंड दिस इज द साइड टू एनदर थिंग दैट वी कैन डू बेस को यही रहने दो ठीक है ये साइड टू है ये साइड वन है और साइड वन से मेरे ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू अटैच है तो हमेशा याद रखना कि ये तीनों तो आपस में मिलकर हैं और जो जो बाकी जो एक्चुअल ट्राइंगल शेप्ड साइड्स हैं हमारी वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं और वो कैसे होती हैं कॉन्ग्रेंट होती हैं और वो पैरल होती हैं तो ये ट्राइंगल बना तो यहां पर भी यहाँ पर एक ट्राइंगल शेप है यहाँ पर एक ट्राइंगल है जो दोनों आपस में पैरल है राइट सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ कमिंग आउट टू कमिंग कमिंग टू आवर नेक्स्ट दैट इज अगेन अ प्रिज्म बट दिस प्रिज्म इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी वर स्टिंग ठीक है तो अभी तक हमने ये ऐसा प्रिज्म बनाया था बट इस बार प्रिज्म ऐसा नहीं है इस बार प्रिज्म में दिस इज द बेस दिस इज साइड वन दिस इज साइड टू दिस इज साइड थ्री एंड दिस इज साइड फोर और यहाँ पर हमारे पास कुछ हैं, हैं, so, हम कौन से edges को कट या करते मतलब ये इससे बड़ा वाला नेट है सो दिस कैन कम आउट टू बी कि ये जो कॉर्डिलेटर्स हैं, वो यहां पर अटैच है या फिर साइड वन के साथ या साइड थ्री के साथ अटैच्ड है सो दिस कैन ऑल्सो मेक नेट ऑफ अ प्रिज्म राइट सो आई होप दिस क्लियर नाउ कमिंग आउट टू कमिंग टू आवर नेक्स्ट इज पिरामिड क्या होता है, देखो, एक ऐसी सी हो ठीक है? और इस के साथ चारों साइड्स पर ठीक है ये जो इसकी फोर कॉर्नर्स हैं फोर सॉरी नॉट कॉर्नर्स बट फोर एजेस हैं सो इन फोर एजेस पर ऐसे ट्रायंगल्स अटैच्ड होंगे ठीक है तो जैसे <coughs>

समथिंग लाइक दिस ठीक है सो so बेसिकली हर एक नेट को ओपन करने का एक अलग तरीका है ठीक है ऑल राइट सो नाक्स्ट इज अ क्वेश्चन ठीक है आप देखो मैथ्स कर रहे हैं तो क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ एटलीस्ट थ्री डिफरेंट नेट ऑफ अ क्यूब तो बनाओ सा तीन डिफरेंट नेट तो क्यूब क्या है कि स्क्वेयर है, है ना स्क्वेयर छ स्क्वाइड मिलाकर एक क्यूब बना रहे हैं तो एक तो हो गया ये ठीक है सो आई से दिस इज द बेस राइट सो आई ओपन इट लाइक दिस दिस इज माई साइड वन राइट दिस इज माई साइड टू एंड दिस इज माई साइड थ्री और इसके साथ दिस इज माई लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड राइट वॉट एल्स कैन बी ड्रॉ सो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस ओनली ठीक है मैं जरा एक लंबा सा ये बनाकर आई डिवाइड इट इन टू फोर पार्ट्स ठीक है सो दिस इज साइड वन दिस इज बेस दिस इज साइड टू दिस इज साइड थ्री नाउ से दिस इज अटैच टू दिस पोर्शन लेफ्ट एंड द राइट साइड ठीक है वॉट एल्स वी कैन डू अब हम कटिंग और फोल्डिंग कुछ और अलग तरीके से करते हैं सो so, ये थोड़ा क्यूबॉइड शेप आ गया है बट रिमेंबर वी आर नॉट डूइंग अ क्यूबॉइड ओके सो वी आर डूइंग अवब ठीक है तो आप इसकी जरा शेप ठीक कर लेना सो so, दीज आर द डिफरेंट साइड सो से दफ्ट स्क्वेयर इज इज अटैच टू साइड वन एंड द राइट वन इज अटैच टू बेस राइट सो these आर द डिफरेंट फॉर्म्स एंड even अगर आपने अपनी बुक में ध्यान से देखा हो सो so, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन ही नेट्स हैं There आर मेनी मोर नेट्स दैट कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ अ क्यूब बता रहे हैं तो देखो बड़ा ही सिंपल है सोचो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से कि ये कौन कौन से है चलो चलो आई गिव यू समाइम यू हैव टू थिंक एंड टू टेल मी सो द फर्स्ट शेप इज ट्राइंगुलर सो दिस इज ऑल द ट्राइ एंगल्स राइट सो दिस इज ट्राइंगुलर टेट्रा हेड्रॉन राइट तो ये कैसा है तो बेसिकली बेस में एक हमारे पास ट्राइंगल है राइट right? और इस ट्राइंगल के साथ अटैच्ड और तीन ट्राइंगल्स हैं सो समथिंग लाइक दिस करेक्ट सो वन ट्राइंगल टू ट्राइंगल दिस इज द फ्रंट दिस इज द बेस एंड यहां पर एक फ्रंट में ये जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हो सो दिस इज अ ट्राइंगर टेट्रा हेड्रॉन राइट सो दिस इज दॉलिड नाउ कमिंग आउट टू दिस सो वी हैव टू ट्राइंगल्स एंड थ्री रेक्टेंगल तो सोचो सोचो किसमें होते हैं टू ट्राइंगल्स एंड थ्री रेक्टेंगल्स सो वन इज दिस बेस राइट ये तो मैंने आपको अभी बना के भी दिखाया था एंड वन एक नीचे है बेस पे दो ऊपर है एंड टू आर ऑन द राइट कौन सा था वो सोचो जल्दी से बताना है मुझे कौन सा था वो सो दैट वॉज दैट वॉज ट्राई एंगुलर प्रिजम राइट तो हमने ये प्रिजम में नेट डिस्कस किया था तो इसमें हमने क्या किया कि रेक्टेंगल को बेस नहीं रखा हमने यहाँ पर इस ट्रायंगल को बेस रख दिया है और साइड से सारे रेक्टेंगल्स ऊपर लाके उसको कवर कर दिया उसका फ्लैप हमने बना दिया है ये वाला ट्रायंगल राइट right? तो बेस भी ट्रायंगल है टॉप भी ट्रायंगल है लेकिन जब हमने इसको डिस्कस किया था तो हमने बेस को भी रेक्टेंगल रखा था और साइड्स को भी रेक्टेंगल रखा था सो आई होप दिस इज क्लियर ओके सो नेक्स्ट इज अगेन यू हैव टू टेल कि ये कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखो ये क्या है दीज आर द डिफरेंट स्क्वास टोटल हाउ मेनी सिक्स स्क्स सो दिस इज अ सॉलिड ऑफ अ क्यूब ठीक है तो ये क्यूब है सोचो right? ये, so, ये क्या है हाउ मेनी फेसेस वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है मैंने बहुत ही रैंडम मार्किंग की है बट आप रैंडम नहीं करना आप एक सीक्वेंस में करना सो देयर आर सिक्स faces right and six faces may you can see rectangles right so there are rectangles and there are two squares correct so this is what this is cuboid correct so this is a cuboid so i hope this is clear okay so now coming on to the last topic for today that is oblique sketches ऑफ क्यूब और क्यूबॉयड तो हम जो क्यूब को पकड़ते हैं या क्यूबॉय को पकड़ते हैं वो हम बिल्कुल ऐसे सीधा पकड़ते हैं फिर इसको समझते हैं राइट लेकिन कई बार ये जो स्ट्रक्चर्स है ना ये कुछ ऐसे रखे होंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि अलग अलग जो साइज है ना वो अलग अलग शेप की है उनके साइजेस अलग अलग हैं राइट सो दैट इज कॉल्ड एज द ओके तो हम देख रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि सारी साइड्स इक्वल है नहीं तो ऐसे ही जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वेयर ऑल साइड डू नॉट है वन कैन ईजिली रिकोगनाइज अब जैसे हम, हम इसको ईजिल अगर मैं आपको बोलूँगी बच्चों ये क्या है तो आप बोलोगे कि मैम ये तो एक क्यूब है राइट right? ऑल हमें ऐसा लग रहा है कि सारी साइड्स जो है ना वो एक दूसरे से अलग है सबकी सब अलग अलग, अलग दिखाई दे रही है सबके साइज़, शेप हमें सब कुछ right? so uh, खुशखबरी की बात यह है कि हम इनको एक ग्राफ पेपर पर ना बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं तो हमें क्या करना है कि मान लो हमें एक क्यूब बनाना है जिसकी हर साइड टू सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें तो पता है कि क्यूब जो है उसकी सारी साइड इक्वल होती है राइट right? लेंथ सब इक्वल होने वाली है तो हम ऐसा एक 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 क्यूब लेंगे लेंगे मतलब ग्राफ पेपर और उस ग्राफ पेपर में पहले हम क्या करेंगे एक फ्रंट साइड बनाएंगे ठीक है सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फोर फाइव सिक्स ठीक है तो सिक्स सेवन एट राइट right? तो मान लो कि ये जो फर्स्ट फोर हैं दिस इज वन सेंटीमीटर एंड द सेकंड फोर आर अगेन वन सेंटीमीटर राइट सो टोटल टू सेंटीमीटर तो ये मेरी इसकी फ्रंट साइड बन गई अब मैं इस फ्रंट साइड की ठीक है अब मान लो ये एक क्यूब है वैसे ये है नहीं तो इसकी ये वाली साइड मैंने बना दी अब मैं इसकी ये बैक साइड बनाऊंगी ठीक है ऑपोजिट साइड तो ऑपोजिट साइड में इसकी कैसे बनाऊंगी सो आई विल ड्रॉ इट हाउ मेनी टू थ्री फोर फाइव ये ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट राइट तो यहां को भी टू फोर सिक्स एंड एट करेक्ट अब यहां पर और इसको भी मैं ज्वाइन कर दूंगी नाउ लेट इज ज्वाइन द साइड्स अब इन साइड्स को ज्वाइन करो ये सो कैन यू रिकग्नाइज द शेप वॉट इज इट दिस इज अ क्यूब ठीक है तो अब देखो तो ऐसा लग रहा है ये कुछ और ही शेप है ये कुछ और ही शेप है यहां पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है यहां पर तो हमें कुछ और ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है सो ऑल ऑफ देम दे लुक टू हैव अ डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज राइट बट स्टिल वी कैन दिस इज अ क्यूब राइट वैसे ही हम क्यूबॉइड का भी ऑब्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं कैसे बस वैसा ही करना है अब हमें पता है कि इसमें लेंथ ज्यादा होगी और ब्रेथ कम होगी सो so, सिक्स Joe has six uh, these small small cubes they uh, donate the uh, they denote breadth and i will take 33678 uh, three, so 8 cubes they are the length right so i will this is my front face right and 3 and 3 6 right and this and this so this is a cuboid. इज दैट करेक्ट तो समझ आ गया है सबको ओके सो दीज आर द स्केचेस नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस अगेन क्योंकि अब इतना सारा पढ़ेंगे तो भाई क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे सो द क्वेश्चन इज अ डायमेंशन ऑफ अ आर सिक्स सेंटीमीटर फोर सेंटीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर तो हमने जितना पढ़ा है रेक्टेंगल्स के बारे में क्यूबॉयड्स के बारे में तो हमें पता है कि लेंथ ज्यादा होती है ब्रेथ कम और इसको हम हाइट ले लेते हैं सो दिस इज एल बी एंड एच सो नाउ ड्रॉ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ

मैं लेती हूं दूसरा रेक्टेंगल राइट तो ये है मेरा दूसरा रेक्टेंगल ठीक है तो ये मैंने अब इन सब की हाइट ले ली है थ्री सेंटीमीटर तो एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका है कि मैं इसको कुछ ऐसे रखू सो दिस so राइट ये फ्रंट फेस नाउ कमिंग ऑन टू माई बैक फेस राइट एंड दिस तो ये जो आपको बनाना है ऑलवेज रिमेंबर ये आपको बनाना है यूजिंग द स्केल ठीक है तो आपको ये लेंथ uh, कितनी रखनी पड़ेगी सिक्स सेंटीमीटर ब्रेथ आपको रखनी पड़ेगी फोर और आपको हाइट रखनी पड़ेगी थ्री सेंटीमीटर इज दैट क्लियर ओके The next question is two cubes each with three centimeter edge are placed side by side to form a cuboid. फॉर दिस क्यूबॉय ड्रॉ ओब्लीक स्केच तो देखो हमारे पास दो क्यूब्स हैं जो थ्री बाय थ्री है तो मतलब कि उसकी लेंथ ब्रेड हाइट सब थ्री सेंटीमीटर होने वाला है तो हमें वो दो क्यूब को हमें साइड बाय साइड रखना है तो पहले तो यहां पर ना सामने दोनों वो क्यूब्स बना लो ठीक है सो हमें इन इनको हम साइड बाय साइड रखकर इनका ओब्लीक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा ये बनेगा कुछ ऐसे Right. So this is three uh, centimeter. This one is three centimeter, and this one is also three centimeters. So this is how we will draw an oblique structure out of two cubes forming a cuboid. <laughs> okay. So I hope this is clear. All right. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आई टूडे सेशन आई होप यू अंडरस्टंड कॉन्सेप्ट कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क्योर डाउट इन आस क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हम स्वयं सो आई एल सी यू विद नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट सेन यूल एंड एज यू ऑल नो लर्न हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है